हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एंजल ब्रोकिंग में कैसे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है शेयर खरीदने से पहले या शेयर खरीदने के बाद, और साथ में आपको सभी प्रकार के ऑर्डर टाइप के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रकार के ऑर्डर्स लगते हैं एंजल ब्रोकिंग में और कैसे कैसे आपको ऑर्डर्स लगाने हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव बताऊंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी इस वीडियो में कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में टारगेट या स्टॉप लॉस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके मन में ना रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहता हूँ। और हाँ, अगर आपका एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने एंजल ब्रोकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आता है। चूँकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ नाइट में, अभी टाइम हो रहा है 8 बजे, तो इक्विटी मार्केट तो अपना बंद हो चुका है बट कम्योडिटी मार्केट ओपन है। कम्योडिटी में कौन सा, MCX मार्केट का जो टाइम होता है वो 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक होता है, काफ़ी बड़ा टाइम होता है। तो कम्योडिटी मार्केट ओपन है, तो मैं कम्योडिटी मार्केट में ही आपको लाइव बताऊंगा। और सेम तरीके से आपको इक्विटी मार्केट में भी करना, अगर आप शेयर्स में भी बाइंग सेलिंग करते हैं तो इसी तरीके से आपको करना है। टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका या बाइंग करने का तरीका सब जगह सेम होता है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर स्क्रिप्ट मैंने ऐड की हुई है जिसका नाम है सिल्वर माइक्रा। तो सिल्वर माइक्रा में बाइंग सेलिंग करके देखते हैं। तो सिल्वर माइक्रा मैंने क्लिक किया, बाय किया, बाय पर क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर सेम तरीके से आ गए, यहाँ पर जो नॉर्मल ऑर्डर अपन लगाते हैं एंजल बुकिंग के अंदर। तो चूंकि सिल्वर माइक्रा के अंदर लॉट में काम होता है, अगर आप शेयर्स में डील कर रहे हैं, शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नॉर्मली शेयर्स की संख्या डाल देनी। जैसे यहाँ पर लॉट पूछ रहा है तो आपको शेयर्स की संख्या डाल देनी, कितने शेयर्स आप बाय या सेल करना चाहते हैं। तो मैं जैसे इसका एक लॉट बाय करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक डाल दिया है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जब अपन ऑर्डर लगाते हैं तो बेसिक डिटेल्स अपन से पूछता है, जैसे प्राइस, कितने प्राइस से आप बाय करना चाहते हैं। जैसे सिल्वर माइक्रा का अगर ऊपर आप यहाँ पर प्राइस देख रहे हो तो सिल्वर माइक्रा का प्राइस चल रहा है 59,500 के अप्रोक्स, अभी रेट इसका चल रहा है। तो अपन को यहाँ पर देखना है कि किस प्राइस से अपन को बाय करना है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ मार्केट, ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर मार्केट पर टिक कर दूंगा तो क्या होगा, जिस भी प्राइस पर सेलर अवेलेबल होगा वहाँ से मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, मीन्स मेरा जो शेयर है ना वो बाय हो जाएगा और मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी रेट अभी ऊपर दिख रहा है उस रेट से मुझे बाय नहीं करना है, यहाँ पर जो भी रेट मुझे दिख रहा है ना इस रेट से बाय नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि 59,500 पर इसका रेट आया तब मैं इसको बाय करूँगा, तो क्या करना है, सिंपली अपन को प्राइस में 59,500 डाल देना है। अब क्या होगा, जब अपन ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब इसका रेट आएगा 59,500 तब जाके अपना ऑर्डर ऑटोमेटिकली वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको एक लगा के बताता हूँ ऑर्डर, तो 59,500 तो नहीं करूँगा क्योंकि फ्लैक्चुएट काफ़ी ज़्यादा, तो ऑर्डर भी तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 59,200 डाल देता हूँ, 59,200 डाला मैंने लिमिट प्राइस। और नीचे देखिए क्या रहा, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप में क्या होता है कि इंट्राडे लगाना है या कैरी फॉरवर्ड लगाना आपके लिए। यूजली अगर आप शेयर्स में करेंगे तो वहाँ पर इंट्राडे या डिलीवरी आपसे पूछेगा, तो इंट्राडे आपको तब सेलेक्ट करना जब एक दिन के लिए ऑर्डर आप बाय करना चाहते हैं, मीन सेम डे इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना है, डिलीवरी में काम कर रहे हैं तो डिलीवरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होता है, चूंकि क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है, अगर अपन फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है, तो इसलिए इसकी एक एक्सपायरी होती है, इसलिए वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आता है। मतलब जो भी इसकी एक्सपायरी रहेगी, जैसे इसकी सिल्वर माइक्रा की एक्सपायरी की बात करें 30 नवंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 30 नवंबर 2022 लिखा हुआ है, मतलब कैरी फॉरवर्ड अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो 30 नवंबर 2022 तक अपनी पोजीशन को मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो सपोज कीजिए मैं इंट्राडे में ही लगाता हूँ अपना ऑर्डर, और इंट्राडे में ऑर्डर लगा के मैं इसको बाय करता हूँ, बाय करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म बाय करूँगा, कन्फर्म बाय करूँगा तो देखिए ऑर्डर मेरा जो है ना पेंडिंग हो जाएगा, मतलब पेंडिंग में मुझे ऑर्डर आ गया है। अब जब इसका रेट 59,200 आएगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर पोजीशन से मुझे दिखना लगेगा, जैसे कि देखिए ये मैंने ऑर्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो जिस तरीके से ये ऑर्डर मेरा दिख रहा है यहाँ पर उसी तरीके से वो वाला ऑर्डर ही मुझे यहाँ पर दिखने लग जाएगा। अब मान लो मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, 59,200 मुझे लग रहा है कि देर लगा गया या हो सकता आए ना यहीं से वापस मार्केट ऊपर चला जाए, तो देखिए जैसे अपन उस पर क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, तो मॉडिफाई पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी अपन को मॉडिफाई करना है, रेट में अगर चेंज करना है तो रेट अपन चेंज कर सकते हैं, या फिर मुझे मार्केट पर सिलेक्ट करके बाय करना है, मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे मार्केट पर ही सिलेक्ट करके बाय करना है तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो मार्केट पर क्लिक करेंगे तो अपना ऑर्डर यहाँ से क्या होगा एग्जीक्यूट अपना हो जाएगा। तो यह है नॉर्मल ऑर्डर, कि नॉर्मल ऑर्डर अपन किस तरीके से लगाते हैं। अब जो पेंडिंग ऑर्डर था, मुझे मान लो इस ऑर्डर का मुझे कैंसिल करना है, तो क्लिक करेंगे तो कैंसिल करने का ऑप्शन आता, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। अब वापस से वॉच लिस्ट में चलते हैं, वापस से मैं सिल्वर माइक्रा पर क्लिक करता हूँ, इसको बाय करता हूँ, बाय करके एक लॉट पर मैंने क्लिक किया, मुझे नॉर्मली अपना जो ऑर्डर है तुरंत वहाँ से मार्केट रेट से बाय करना, तो मार्केट पर मैं क्लिक कर दूंगा,
क्लिक करके यहाँ से कंफर्म बाय करूँगा तो मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद कहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर्स का, तो ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे पोजीशंस पर, तो इस प्रकार से कुछ ऑर्डर अपने सामने दिखने लगेगा, मीन्स अपना ऑर्डर बाय हो चुका है। लाइव अपन को सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे देखिए इसका एवरेज प्राइस दिख रहा है कि कितने रेट से मैंने बाय किया हुआ है, और यहाँ पर मुझे लॉस दिखेगा, लॉस प्रॉफिट जो भी चल रहा होगा ना वो यहाँ पर मुझे लाइव दिखेगा, और कितनी क्वांटिटी मैंने ली हुई है, जैसे एक लॉट मैंने लिया हुआ है तो एक लॉट मुझे यहाँ पर दिखेगा, और ऑर्डर मैंने किस में लिया हुआ है, इंट्राडे में लिया है कैरी फॉरवर्ड में लिया हुआ, तो इसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, और मेरी जो स्क्रिप्ट है उसका जो लाइव रेट है वो यहाँ पर मुझे दिखेगा। तो ये सारी डिटेल्स अपने सामने यहाँ पर ओपन होकर आ जाती है। अब मान लो मुझे ये मैंने ऑर्डर लगा लिया, अब इसको मुझे बेचना है, तो बेचने के लिए क्या करना है, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एग्जिट का, उसके बगल में ऑप्शन आ रहा है बाय मोर का, अगर मुझे और खरीदना है तो बाय मोर करूँगा, अगर मुझे एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट पर क्लिक करूँगा। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद फिर वापस से अपन सेम चीज़ पूछेगा, लिमिट और मार्केट। लिमिट का मतलब वही है कि अगर मुझे कोई टारगेट लगाना है, ठीक है, सिल्वर माइक्रा के अंदर मुझे कोई टारगेट अगर लगाना है, सपोज करो मुझे टारगेट यहाँ पर लगाना है 62,000 रुपीज़ का, तो 62,000 रुपीज़ का अगर टारगेट लगाना है तो मैं यहाँ पर 62,000 रुपीज़ यहाँ पर टाइप कर दूंगा, और इसको मैं एग्जिट पर क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, सेम चीज़ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तुरंत मेरा ऑर्डर वापस से पेंडिंग हो जाएगा, और जब इसका रेट आ जाएगा जो भी मैंने डाला हुआ है 62,000 रुपीज़, तो फिर वहाँ से मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। अब मुझे अगर लिमिट प्राइस नहीं लगाना, मतलब मुझे टारगेट नहीं लगाना है, मुझे करंट मार्केट रेट से बाहर निकलना है, मतलब जो भी करंट रेट चल रहा है ना उससे मुझे बाहर निकलना है, तो क्या करूँगा, सिंपली मुझे मार्केट पर टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है, प्राइस डालने का ऑप्शन अब यहाँ से हट जाएगा, तो मुझे सिर्फ एग्जिट पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, मतलब जो भी करंट रेट चल रहा है वहाँ से मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। अब अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है इसी ऑर्डर के अंदर, मैंने टारगेट लगा दिया था, अब मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो स्टॉप लॉस के लिए बहुत सिंपल है, वापस से जो मेरा ऑर्डर है उसी पर मुझे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखिए एग्जिट के जस्ट नीचे लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस पर मैं क्लिक करूंगा, तो स्टॉप लॉस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पर आ रहा है ट्रिगर्ड प्राइस और प्राइस आ रहा है यहाँ पर, तो ट्रिगर्ड प्राइस की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लिमिट प्राइस मस्ट बी लेस देन ट्रिगर्ड प्राइस, मतलब ये क्या बोल रहा है कि लिमिट प्राइस ट्रिगर्ड प्राइस से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो लिमिट प्राइस है, सपोज करो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, अभी कितना चल रहा है 59,466 के अराउंड चल रहा है, सपोज कीजिए मुझे स्टॉप लॉस लगाना है इसमें कितने का, 59,200 का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पर ट्रिगर्ड प्राइस मैं क्या डाल दूंगा 59,205 डाल देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जब इसका रेट 59,205 एंड 59,200 के बीच में आएगा तो वहाँ से मेरा ऑर्डर किसी भी बेस्ट प्राइस पर मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूज ना करते हो, मैं आपसे सिंपल ये कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ एक प्राइस का अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली क्या कीजिए, जो ट्रिगर प्राइस है और जो प्राइस है उन दोनों को आप सेम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम रखेंगे तो जब उसका प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब इस ऑर्डर में आपको विशेष तौर से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ऑर्डर बाय करने के बाद टारगेट या स्टॉप लॉस लगाते हैं अलग से, तो क्या करना है कि अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपको स्टॉप लॉस मैनुअली जाके उसको कैंसिल करना है पेंडिंग ऑर्डर में से, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट को आपको कैंसिल करना है मैनुअली जाके पेंडिंग ऑर्डर में से। तो इस तरीके से बाय करने के बाद आप टारगेट या स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑर्डर टाइप की, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडवांस ट्रेड, तो एडवांस ट्रेड पर अपन जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर तीन प्रकार के ऑर्डर दिख रहे हैं, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड रोबो ऑर्डर। तो नॉर्मल ऑर्डर अपन ने समझ लिया है कि नॉर्मल ऑर्डर किस तरीके से लगाना, मैंने आपको बता दिया है पूरा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर की, तो इस ऑर्डर में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर पर जब अपन क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो अपन को अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट कर देनी, जितनी भी क्वांटिटी अपन बाय सेल करना चाहते हैं। अब उसके बाद आ रहा है ट्रिगर्ड प्राइस एंड प्राइस। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सपोज़ करो 59,400 के अप्रोक्स उनका चल रहा है स्टॉक का रेट, जैसे सिल्वर माइक्रा की बात कर ले तो उसका यही रेट चल रहा है, ठीक है। अब उनको क्या करना है कि 59,200 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो क्या करेंगे कि ट्रिगर्ड प्राइस में क्या कर देंगे वो लोग सेम जो प्राइस अभी चल रहा है वो डाल देंगे, और प्राइस में क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस का प्राइस डाल देंगे, या फिर ट्रिगर्ड प्राइस में स्टॉप लॉस प्राइस डाल देंगे, तो जो कि तरीका गलत है। इस ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ, इस ऑर्डर का बेसिकली बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि सपोज करो रेट अभी कितना दिख रहा है आपको 59,435 रुपीज़ दिख रहा है, अब मुझे इस ऑर्डर को 59,400 से नहीं खरीदना, मुझे मैं चाहता हूँ इस ऑर्डर को मैं खरीदूँ कितने से, 59,600 से खरीदूँ। अब समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट मार्केट रेट से मैं इसको बाय करना नहीं चाहता हूँ, मैं इससे जो भी करंट मार्केट रेट है उससे ऊपर से बाय करना चाहता हूँ। सिंपली क्या होगा, नॉर्मल ऑर्डर में अगर आप जाएंगे यहाँ पर लिमिट प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आप डाल देंगे 59,600 ऑर्डर को आप लगाएंगे तो आपका ऑर्डर करंट मार्केट रेट से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ऑर्डर में ऊपर की प्राइस डालना अलाउड नहीं होता है,
यहाँ पर आया तो जो प्राइस अभी चल रही करंट मार्केट उससे आपका बाय होगा या फिर उससे नीचे की प्राइस से आपका बाय होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि 59,400 से मुझे नहीं खरीदना, मैं चाहता हूँ 59,600 से इसको खरीदूँ, तब फिर आपको सेलेक्ट करना स्टॉप लॉस ऑर्डर। और यही इसका यूज़ होता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर में जो भी करंट मार्केट रेट है उस मार्केट रेट से ऊपर के रेट से मैं बाय करना चाहता हूँ, इसलिए इसको बोला जाता है बाइंग स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है और प्राइस लिखा हुआ है, तो क्या करना, देखिए ट्रिगर प्राइस और प्राइस लिखा हुआ है ना, तो इस पर अपन क्लिक कर दें तो देखिए क्या लिखा है, द लिमिट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द ट्रिगर प्राइस, मतलब जो भी लिमिट प्राइस है उसको ट्रिगर प्राइस से बड़ा रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी बताया गया है कि एग्जाम्पल समझिए, मार्केट प्राइस इज 90, कि सपोज करो कि मार्केट का प्राइस चल रहा है 90, यू वांट टू पुट अ बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है, मार्केट का प्राइस चल रहा है 90 और आप एक बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इफ ट्रिगर प्राइस इज 93 और आपने ट्रिगर प्राइस कितनी रखी है 93 रखी है एंड लिमिट प्राइस रखी है आपने 95, देन दिस ऑर्डर विल बी रिलीज इन टू द सिस्टम वंस व्हेन द मार्केट प्राइस रीच और एग्जिट 93, मतलब कि जैसे ही 93 और 93 से एग्जिट करेगी तो आपका जो ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये बताया गया है। अब क्या यहाँ पे 59,400 चल रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करना है 59,600 से मुझे बाइंग करनी है, तो उसने क्या बताया कि जो लिमिट प्राइस है वो बड़ा होना चाहिए ट्रिगर प्राइस से, तो मैं क्या करूँगा 59,605 यहाँ पर डाल दूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा 59,600 डाल दूंगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ऑर्डर अपना लगाऊंगा तो मेरा जो ऑर्डर है ना वो पेंडिंग हो जाएगा, जब इसका रेट पहुंचेगा इस रेंज में तो मेरा ऑर्डर वहाँ से ऑटोमेटिकली वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये मतलब होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर का, इसके बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब तीसरा यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है रोबो ऑर्डर, तो देखिए यहाँ पे लिख क्या रहा, रोबो ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेलेक्टेड स्क्रिप्ट, मतलब जो स्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट की हुई है इस स्क्रिप्ट के अंदर रोबो ऑर्डर अलाउड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कोई दूसरी स्क्रिप्ट अपन ले लेते हैं। तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं टाटा मोटर को, टाटा मोटर आप ले सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में तो वहाँ पर भी लग जाता है। और जो ऑर्डर बता रहा हूँ ना, ये ऑर्डर आपके इंट्राडे के अंदर लेंगे, नॉर्मल ऑर्डर आपका लग जाता है डिलीवरी के अंदर भी, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग जाएगा आपका डिलीवरी के अंदर भी, लेकिन जो आपका रोबो ऑर्डर है ना वो विशेष तौर से आपका इंट्राडे के अंदर ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए रोबो ऑर्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस ऑर्डर को भी बहुत ध्यान से समझना, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस ऑर्डर में अपन जब बाइंग करते हैं तो बाइंग करते समय ही अपन टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। और इस ऑर्डर की एक खासियत और होती है कि इस ऑर्डर को आप मार्केट रेट से बाय नहीं कर सकते, आपको हमेशा लिमिट प्राइस लगा के ही आपको बाय करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी रेट चल रहा है 395.95, अगर मुझे बाय करना है तो मुझे या तो 395.95 मुझे रेट डालना पड़ेगा या फिर ऊपर नीचे जो भी अपने हिसाब से रेट डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ, ऊपर का नहीं डालना, सॉरी ऊपर से डालेंगे तो करंट मार्केट रेट से एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, या फिर हो सकता है आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए, तो आपको एक उसी जो रेट चल रहा है वही डालना आपको या फिर उससे नीचे का आपको रेट डालना है। देन इसके बाद पूछ रहा है टारगेट ऑर्डर, तो देखिए प्राइस पूछ रहा है तो सिंपली यहाँ पर बहुत सिंपल है, तो कुछ कठिन नहीं, यहाँ पर आपको अपना टारगेट डाल देना, जैसे मुझे यहाँ पर लगाना 400 रुपये का टारगेट लगाना, 400 रुपये डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर में, ट्रिगर प्राइस पूछ रहा है ना तो यहाँ पर मैं वही सेम डाल दूंगा जितने का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, सपोज मुझे यहाँ पर लगाना है कितने का 390 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना, तो मैं पे 390 रुपीज़ डाल दूंगा। लेकिन 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 ये गलती आपको नहीं करनी, जो गलती सेम मैंने अभी हल की हुई है, मैंने क्या कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर टारगेट कितने का लगाना है 400 रुपये का लगाना है, तो मुझे यहाँ पर 400 नहीं डालना है। इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले इसको समझ लेना अपन को, डेफिनेशन क्या बोल रही है, यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिया हुआ डायरेक्ट वो बता देता हूँ, इफ द मेन ऑर्डर इज एट 100 एंड यू वांट टू बुक अ प्रॉफिट ऑन एट 120 देन द इंटर 20 एज अ टारगेट प्राइस, मतलब बहुत सिंपल सा इसका तरीका कि अगर 395 रुपये में रेट चल रहा है और मैं 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर 400 नहीं लिखने हैं, जो प्राइस है ना वो नहीं डालना, मुझे सिर्फ डिजिट डालनी है ओनली। तो 5 रुपये का अगर मैं टारगेट लगाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 डाल देना है और स्टॉप लॉस कितने का लगाना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस अगर 5 रुपये का लगाना चाहता हूँ तो स्टॉप लॉस मुझे 5 डाल देना है, अपने हिसाब से वो लगा सकते हैं 4, 5, 10 जितने का लगाना है उतने का लगाना है। तो ध्यान रखना विशेष तौर से यहाँ पर प्राइस नहीं डालनी है। और फिर यहाँ पर आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेसिकली मतलब ये होता है कि सपोज करो 395 रुपये रेट चल रहा है, मैंने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो जैसे जैसे रेट बढ़ेगा शेयर का तो वैसे वैसे क्या होगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो भी ऑटोमेटिकली मूव करेगा, ठीक है। सपोज करो मैंने बाइंग साइड में स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो 395 रेट है, अगर मार्केट रेट हो गया इसका 405 तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना ऑटोमेटिकली कहाँ पर 400 रुपये पर जाकर सेट हो जाएगा, और जब रेट इसका डाउन आएगा तो स्टॉप लॉस बैक नहीं होगा, 400 मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब 5 रुपये के प्रॉफिट साथ में बाहर निकल जाऊंगा। तो ये अलग है, इसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा सेपरेटली, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझिए आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना, तो क्या करना अपन को प्राइस डाल देनी बेसिकली और इसको बाय कर देंगे, जब आप बाय करेंगे तो क्या होगा आपका ऑर्डर जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद या तो आपका प्राइस आ गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी करंट रेट लगाया है, या फिर क्या होगा आपका पेंडिंग हो जाएगा,
पेंडिंग होगा तो यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो अगर आपकी पोजीशन जो आपने बनाई है वो आपकी हो जाएगी तो नॉर्मली आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, लेकिन पेंडिंग ऑर्डर में क्या दिखेगा, पेंडिंग ऑर्डर में आपका टारगेट और स्टॉप लॉस आपका दिखेगा। जितने का भी आपने टारगेट लगाया या जितने का भी आपने स्टॉप लॉस लगाया वो आपको यहाँ पर दिखेगा। उसको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट की थी सेलर माइक्रा उसके अंदर अलाउड नहीं था, वरना मैं आपको डायरेक्टली बता देता, बट बहुत ईजी है जितना मैंने अभी तक बताया, तो उससे आप समझ गए होंगे कैसे आपको मॉडिफाई करना है। तो उसको अपने हिसाब से टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको क्या करना है कि आपने जहाँ से खरीदा है और वहाँ से रेट उसका बढ़ गया है बट टारगेट भी नहीं आया है, ठीक है, बट टारगेट और आपकी करेंट प्राइस के बीच में और आप चाहते हैं कि मैं इसको यहीं से करेंट प्राइसेस को एग्जिट कर दूं, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपके लिए पेंडिंग ऑर्डर्स में जाना है, आपको जो भी आपकी पेंडिंग टारगेट और स्टॉप लॉस आपका पेंडिंग है तो उस पर क्लिक करना है, मॉडिफाई करना है टारगेट में या स्टॉप लॉस में, दोनों में से किसी एक जगह आपको क्या करना है, प्राइस में जीरो डाल देना, आपके लिए जीरो डाल के आप मॉडिफाई कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका करेंट मार्केट रेट से आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा, आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यार बाय तो कर लिए, अब ना तो टारगेट आ रहा है ना स्टॉप लॉस आ रहा है, मैं इसको क्या करूँ, या तो जो भी रेट करेंट रेट चल रहा है वहाँ पर आप टारगेट डाल के उसको उससे मैच कर दूँ, ठीक है, या फिर आप वैसा नहीं करना चाहते, तुरंत अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करना चाहते, तो सिंपली आपको प्राइस में जीरो डाल देना, जीरो डाल के सबमिट करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है ना सेल आउट हो जाएगा, आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने बस एक एग्जांपल बताया आपके लिए सेलर माइक्रा के अंदर, लाइव आपको बताया, सेम तरीके से आप किसी भी शेयर के अंदर करेंगे सेम तरीका रहेगा, ऑर्डर टाइप यही होते हैं, इसी तरीके से करना आपके लिए। और हाँ, एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते समय, कि जब भी आप कोई पोजीशन बाय कर लेंगे, जैसे कि देखिए मैंने पोजीशन को यहाँ पे बाय किया हुआ है, अब मैं इसके ऊपर टारगेट और स्टॉप लॉस अलग से लगाता हूँ अगर मैं, तो मुझे एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पोजीशन बाय करने के बाद, उसमें अगर मैं टारगेट और स्टॉप लॉस लगाऊंगा रेगुलर ऑर्डर में तो मुझे एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और अगर मैं रोबो ऑर्डर लगाऊंगा, मतलब पोजीशन बाय करते समय ही अगर मैं टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें एक साथ लगा रहा हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सपोज मैं 10,000 मेरे डीमैट अकाउंट में और 10,000 का ही ऑर्डर है, तो उसी में मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस लग जाएगा। बट अगर आप बाद में लगाएंगे टारगेट या स्टॉप लॉस पोजीशन बाय करने के बाद रेगुलर ऑर्डर में, तो फिर आपका नहीं लगेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान में रखना है कि अगर आपने पोजीशन रोबो ऑर्डर बाय किया हुआ है, मतलब रोबो ऑर्डर सेलेक्ट करके आपने किया हुआ है ना, तो फिर आप उसको कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे डिलीवरी में। आपने अगर नॉर्मली इंट्राडे ही कोई पोजीशन ली है तो उसको कन्वर्ट आप डिलीवरी में कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ही पोजीशन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे देखेंगे कन्वर्ट का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से इसको इंट्राडे या डिलीवरी में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है, इंट्राडे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट अगर मैं रोबो ऑर्डर लूँगा तो फिर यहाँ से कन्वर्ट करने का ऑप्शन हट जाएगा, उसको मुझे सेम डे सेल आउट करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा आपके जो मन में डाउट थे ऑर्डर बाइंग करने से रिलेटेड, सेलिंग करने से रिलेटेड, टारगेट या स्टॉप लॉस से रिलेटेड, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई डाउट ऐसा है, कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है या आपके मन में क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।